अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि हेयर्स के हवाले से है। आज के लड़कियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर में शाइन नहीं है, नरिशिंग खत्म हो गई है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ गई है। डाई वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसकी वजह से हमारे बालों में जो है शाइन वगैरह उड़ जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि कट डाउन हो जाता है। बगैर कट डाउन के भी अगर आप कोई भी कलर यूज करें तो उसमें केमिकल्स होते हैं, तो बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है आपके हेयर्स पे। तो इसलिए मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है और सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी है। मैं आपके साथ अपनी रेमेडी शेयर करती हूँ, बहुत ईजी है, सिर्फ एक ही चीज है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। मैं पूरा तरीका बताऊंगी किस तरह से बनाना है और किस तरह से इसे अप्लाई करना है, तो मेरे साथ रहें। एक पैन लें, उसमें वाटर डालें थोड़ा, एक ग्लास, और फ्लैक्स सीड्स एक कटोरी भरकर डाल दें। और पानी में जैसे जैसे बॉयल आएगा तो ये टेक्सचर गाढ़ा होता चला जाएगा, ये एक जेल फॉर्म में बन जाएगा। इसको अच्छे से पकने दें कि यहाँ तक कि इसमें झाग आ जाए। जैसे ही इसमें झाग आएंगे इस तरह से ये इसमें थोड़ी फ्लेम इसकी कम कर दें और ये हल्की फ्लेम में पकता रहेगा। इस तरह से ये थिक हो जाएगा इसका टेक्सचर। सो गाइज, हमारा जो रेमेडी है वो बन रही है। और जब तक मैंने बोला क्यों ना मैं एक ग्रीन टी पी लूं, और वेट कर रही हूँ मैं इसका कि ये रेडी हो जाए। जैसे ही इसका टेक्सचर जो है थिक होगा वैसे ही हम इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर इसको छान लेंगे अच्छी तरह, फिर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से अप्लाई करूंगी। गाइज, मैंने तो अपनी ग्रीन टी खत्म कर ली है और अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो मैंने ये लिया है एक स्पून, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर थिक हो गया है और मैं ये आपको दिखा भी दे देती हूँ। ये देखिए, ये इसमें गाढ़ापन हो रहा है, तो जैसे ही थोड़ा और गाढ़ा होगा तो मैं ये फ्लेम ऑफ कर दूंगी और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए आप जुड़े रहें और बताना है कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। इसका बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगी अप्लाई करने का, क्योंकि लोग अप्लाई करने से बहुत ज्यादा वो होते हैं कि गिरेगा फेस फेस पे, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी किस तरह से अप्लाई करना है इसे। बहुत ही गर्मी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं गाइज, बहुत गर्मी हो रही है किचन में और मेरा बुरा हाल हो गया, इसलिए मैंने अपना चूड़ा बना लिया है और अब मैं वेट कर रही हूँ। वेट करते करते ये टाइम हो गया है, जल्दी से हम चलो फ्लेम थोड़ी सी तेज कर देते हैं इसकी, ताकि ये जल्दी से इसमें ना, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये ठीक हो रहा है टेक्सचर इसका। वाओ, अमेजिंग। तो बस ये होने वाला है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसे अप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता ये और गाढ़ा होता जा रहा है। जैसे ही ये थिक उस पर आ जाएगा टेक्सचर पे, तो हम इसको छान लेंगे। अब मैंने फ्लेम बंद कर दी है और अब मैं इसे छानने लगी हूँ एक छन्नी की मदद से। आप किसी भी छन्नी से या कपड़े से भी छान सकते हैं। तो मैं इसको अलग कर रही हूँ इसके लिक्विड को, और मैं इसको एक बॉटल में भर दूंगी ताकि हम आराम से अप्लाई कर सकें। ये मैंने निकाल लिया है। सो गाइस, अब मैं अपने हेयर्स पे ये मास्क जो है ना अप्लाई करने जा रही हूँ। तो चलिए जी, अप्लाई करते हैं अपने हेयर्स पे मास्क। सो गाइस, ये मिक्सचर तैयार हो गया है, ये मैंने एक केचप की बॉटल में भर दिया है और ये बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कटोरी में डाल के और हाथों से अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गिरेगा। तो चलें इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम एक ख्याल रखेंगे कि हमारी मैंने इस पर एक थैली चढ़ा ली अपने बालों पे ताकि ये हीट अप हो जाए थोड़े बाल मेरे, और मैं इसको वन आवर के बाद जो है ना इसको वॉश कर लूंगी। गाइस, हियर इज द फाइनल रिजल्ट। यू कैन सी कि मेरे बाल ड्राई हो चुके हैं, एज यू कैन सी कि बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और बहुत ही अच्छी शाइन मुझे नजर आ रही है अपने बालों में।